Assalamu alaikum viewers, today we will two discuss topics. First is thermometry and second is general gas equation. Thermometry aur general gas equation chote chote se topics the, ye zyada board ke wale se scales of thermometry mein kuch pooch liya jata hai, general gas equation mein kuch zyada important nahi hai aur easy sa topic hai, isliye se maine dono topic same as a time ek time discuss kar raha hu. To sabse pehle hum thermometry ko discuss karte hain, ki thermometry aapke paas kya hai. Thermometry ye hai, the following three scales are used for temperature measurement. Yaad rakhein, jab bhi aapne temperature ko measure karte hain to hamesha teen scales hi use hote hain. First scale hai aapke paas Celsius scale, ya ise hum centigrade scale bhi kehte hain, jisko hum C degree ke saal डिनोट करते हैं. सेकंड है आपके पास फॉरेनहाइट स्केल, जिसको हम एफ डिग्री के साथ डिनोट करते हैं. एंड लास्ट पे है केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल, जिसे हम के साथ डिनोट करते हैं. और केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल हमें पता था, चार्ल्स लॉ ने इसको अच्छे से डिस्कस डिटेल में पढ़ा था कि ये स्केल सिर्फ चार्ल्स लॉ के लिए ही बनाया गया था. तो बस यही तीन आपके पास स्केल्स हैं जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, मीन्स अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में उसको फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, या सेल्सियस में उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, या फॉरेनहाइट में उसको सेल्सियस में या केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, मीन्स इंटर कन्वर्जन कैसे करनी है, तो वो हम अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सेल्सियस को जब हम करेंगे कन्वर्ट केल्विन में, इसमें ये होगा अगर आपके पास टेम्परेचर जो है, जब सेल्सियस टू हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो K इज इक्वल टू सेल्सियस, वो गिवन होगा हमारे पास टेम्परेचर, उसमें हम 273.16 ऐड कर देंगे तो हमारा जो टेम्परेचर सेल्सियस में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब सेकेंड में आपके पास फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, आपके पास फॉरेनहाइट में टेम्परेचर दिया है तो उसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है उसके लिए हम 5/9, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये हमेशा एग्जैक्ट इतनी वैल्यू रहनी है, और एफ़ की जो वैल्यू आपके पास फॉरेनहाइट डिग्री की वो वैल्यूज गिवन होगी और उसमें से -32 की वैल्यू माइनस कर देंगे और 5/9 से हम उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉरेनहाइट टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस में. अब इसमें यह भी हो सकता है कि अब देखें केल्विन से हमने किया कन्वर्ट सेल्सियस में, अब अगर हमने चाहते हैं कि केल्विन में दिया हो टेम्परेचर उसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सेल्सियस इधर ही रहेगा, केल्विन की वैल्यूज गिवन होगी तो इधर प्लस है 273.16, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो टेम्परेचर वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर सेल्सियस को हमने फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, 5/9 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, -32 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या नहीं तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लूँगा कि इसको हमने किस तरीके से कन्वर्ट करना है. अगर किसी को फिर भी अगर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस ना भी कर सका, अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन होती है कि हमें सेल्सियस टू फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने में इधर मैथमेटिकली कोई इशूज़ आ रहे हैं, मुझे याद भूल गया कि मैं इधर डिस्कस करना भूल गया, वरना इधर मैंने स्पेस छोड़नी थी कि कैसे सेल्सियस टू हमने फॉरेनहाइट में भी कन्वर्ट करते हैं, तो अब स्पेस नहीं है मेरे पास, वरना मैंने इधर ही बता देना था. अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन होती है, मैथमेटिकली में इश्यूज आते हैं कि सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. अब हमारे पास सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट में आप देखें इधर 5/9 था एंड इधर है 9/5, मीन्स इधर बल्कि नीचे उसने फार्मूला लिख दिया गया है कि 9/5 है सेल्सियस, इधर -32 इधर आके +32 होगा. ये मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं. इसको हमने कैसे इस तरह, मतलब इसको हमने इसको इस तरह कैसे शिफ्ट किया, तो ये मैथमेटिकली एक दो स्टेप्स हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो मैं आपको बता दूंगा. नेक्स्ट है जनरल गैस इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हमने सबसे पहले डिस्कस किया क्या होता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है. ये हमारे पास था बॉयल लॉ. सिमिलरली चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स एंड इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट था और इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था. और अगर वो गैद्रो लॉ को हम डिस्कस करते हैं तो उसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं. अब देखें इधर ये चीज़ एक मेन पॉइंट समझने वाला है,
If we think for a moment that one of the variables are to be kept constant, then all the above three relations can be joined together. अब कहते हैं कि अगर हम इनमें से एक भी वेरिएबल को कांस्टेंट जाहिर कर लें, उसको मान लें, तो अगर हम तीनों रिलेशंस को, लेट्स सपोज अगर ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन हमारे पास टू है और ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, थ्री है, सपोज इनको हम तीनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास जो रिलेशन आता है ये देखें, वी तीनों में सेम है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर एंड नीचे क्या था प्रेशर, तो ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास इक्वेशन मान गई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो इन तीनों को इक्वेशंस को हमने ज्वाइन किया तो एक इक्वेशन हमने ये जनरल गैस इक्वेशन बना दी. तो जनरल गैस इक्वेशन में अगर हम इसका अगर आप कॉन्स्टेंट लगाते हैं, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड टी और पी, तो इसमें जो हम कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं आर, द कॉन्स्टेंट सजेस्टेड इज आर विच इज़ कॉल्ड जनरल गैस कॉन्स्टेंट. जो आर है ये जनरल गैस कॉन्स्टेंट हम यूज़ करते हैं एज अ आर के तौर पे. तो वी इज इक्वल टू आर हमने इधर कॉन्स्टेंट लगाया, एन टी एंड पी वैसे का वैसे आ गया. अगर पी अब इधर डिवाइड हो और अगर इधर जो आके मल्टीप्लाई हो तो आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ये हमारे पर लास्ट पे जो इक्वेशन बन गई है इसे हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एन आइडियल गैस इक्वेशन. तो ये इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद रखनी है आपने जनरल गैस इक्वेशन, इसके थ्रू हम आगे आर के यूनिट्स फाइंड करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसे नेक्स्ट लेक्चर उसमें टोटल हम आर के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे. अब उसके बाद डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन. अब जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन जो आई है हमारे पास, इसकी मदद से, इसकी हेल्प के जरिए हम जो बाकी जितने भी गैस लॉज हैं उसको हम प्रूव करते हैं. अब प्रूव कैसे करते हैं ये देखें, सबसे पहले हमारे पास बॉयलर गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू एन आर टी. अगर मैं इधर पी वी इज इक्वल टू के लिख दूं, अगर मैं कहूं इधर नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर के आपके पास कॉन्स्टेंट है, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वो क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है. इसी तरीके से चार्लिस लॉ में हम देखें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, फिर जितना गैस इक्वेशन लिखी वी इज इक्वल टू के एंड टी, इसमें प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट रहे तो ये चार्लिस लॉ भी इधर से प्रूव होता है. इसी तरीके से एवोगैड्रो लॉ में भी वी इज इक्वल टू के एन क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ में प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, इधर भी हमने डिस्कस किया था. एंड लास्ट पे अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास किसी भी जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो वन है, तो हम इधर एन की जगह वन पुट करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू एन की जगह वन आ गया, वो उसको मल्टीप्लाई करें तो आर टी वैसे का वैसे ही आ गया. अगर हम आर इधर जनरल गैस कॉन्स्टेंट फाइंड करना चाहते हैं पी वी इज डिवाइड बाई टी आ जाएगा तो इज इक्वल टू आर इधर ही रहेगा. तो हमारे पास ये लास्ट पे इक्वेशन आ गया. इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आर के हम जितने भी जनरल आइडियल गैस कॉन्स्टेंट या जनरल गैस कॉन्स्टेंट के जो हमारे पास आगे यूनिट्स हैं मिलीमीटर टोर में भी हम इसको मरकरी में सभी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. जो नेक्स्ट टॉपिक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक अल्लाह हाफिज़.